मेरा और अनअकैडमी का एसोसिएशन अब खत्म हो गया है। आई एम इन अ रिलेशनशिप विद मैच, छोड़ा है ना उन्होंने, निकाला है। हेलो एवरीवन, आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग, और आज हम करने वाले हैं Q&A सेशन। यस, तो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे और काफी सारी जगह पे DM करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर Q&A सेशन किया जाए। तो मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप किया था जहां पे आपने मुझसे भर भर के सवाल पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, एंड उनमें से कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस मैं आज आंसर करने वाली हूँ। और देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पिक करूंगी वो है अबाउट माई एज। तो एक बच्चे ने पूछा है कि मैम वॉट इज योर एज। तो बेटा मेरी एज 30 ईयर्स है, और इसी नवंबर में, यस मेरा बर्थडे नवंबर में आता है, तो नवंबर में मैं 31 की हो जाऊंगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय होम टाउन। तो एक बच्चे ने पूछा है मैम आपका होम टाउन कहाँ है। तो बेटा मेरा होम टाउन है इंडिया की मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, एग्जैक्टली तो इंदौर में रहती हूँ मैं अभी भी। राइट नाउ आई एम ऑल्सो इन इंदौर। और मैं आपको बता दूँ कि इंदौर 5 times in a row इंडिया की फर्स्ट नंबर की क्लीनेस्ट सिटी है। तो येस, दैट्स माई होम टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, और ये स्टूडेंट्स नहीं, मुझसे काफी सारे मेरे दोस्त और मेरे रिलेटिव भी पूछते हैं, विच इज मैम शादी कब कर रही हो। तो बेटा शादी जब, जिस दिन सलमान खान शादी कर लेगा ना, उसके नेक्स्ट डे मैं शादी कर लूंगी। खैर जोक्स अपार्ट, जब तक आजादी मिल रही है मैं एंजॉय कर रही हूँ, और शादी तो हो ही जानी है, पता नहीं कब होनी है लेकिन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज अबाउट माय एक्सेस। तो बच्चा कहता है, आई होप ये बच्चा है, आई थिंक ये बच्चा है, स्टूडेंट है, आई मीन, आर यू इन टच विथ योर एक्सेस, हाउ मेनी रिलेशनशिप्स यू हैड, ओके, एंड वॉट हैव यू लर्न्ड। तो हाउ मैनी पे तो मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती, बट इट इज ग्रेटर देन 1। एंड आर यू इन टच विथ योर एक्सेस, तो मैं किसी भी एक्स के साथ अपने टच में तो नहीं हूँ, बट काफ़ी फ्रेंडली नोट पे एंड हुआ है। और मैंने क्या सीखा है सबसे इम्पोर्टेंटली, तो मैंने यही सीखा है द ओनली परमानेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। तो आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तो यही टिप मुझे आपको भी देनी है। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स, मतलब चाहे आपके मॉम डैड हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, एंड सेकंड जो है, सेकंड प्रायोरिटी है, आप अपनी फैमिली को दें। तो यही मेरा लर्निंग रही है कि पहले आप खुद को संभालें, और जब आप खुद को संभाल लेते हैं, आप खुद को काबिल बना लेते हैं, तो आप केपेबल हो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखने के लिए। 5th question इज अबाउट माई टैटू। अच्छा ओके, तो अ स्टूडेंट वॉन्ट टू नो अबाउट माई टैटू। तो कितने टैटूज हैं, तो मेरे पास 2 छोटे छोटे टैटूज हैं, काफ़ी क्यूट क्यूट है। तो सबसे पहला इज दिस, कैन यू सी, ओके, सो ये जो टैटू है वो है पाए, एंड दिस पाए इज ऑन माई रिंग फिंगर। तो इसके काफ़ी सारे मतलब सिग्निफिकेंस हैं, या काफ़ी थॉटफुल हो सकता है ये, तो एक थॉट मैं शेयर करना चाहूँगी। सो क्योंकि मैं मैथ्स, मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरा प्यार है मैथ्स, तो रिंग फिंगर इज फॉर मतलब द पर्सन जिसको आप प्यार करते हो। तो मैं प्यार किससे कहती हूँ, तो आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ मैथमेटिक्स, तो दैट्स हाउ इट इज। सेकेंड टैटू जो है वो है यहाँ पे छोटा सा, एंड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा नोट करें कि ये है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को सर्कल दिख रहा है, देन हार्ट दिख रहा है, एंड देन इन्फिनिटी दिख रहा है। तो सर्कल एंड इन्फिनिटी तो ऑफ कोर्स मैथ्स से रिलेटेड है, बट ओवरऑल ये अगर आप पिक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ पर्सन जो कि एक ह्यूमन है, और वो मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा है। तो आई एम इनटू योगा एंड मेडिटेशन, तो दैट्स व्हाई दिस टैटू। ओके, सो दैट्स ऑल, ओनली 2 tattoos, दैट्स ऑल अबाउट माय टैटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा बोल रहा है कि 2022 के लिए उसको जेई के लिए गाइडेंस चाहिए मुझसे,
इनफैक्ट काफी सारे 2022 एस्पिरेंट एंड कुछ 2023 एस्पिरेंट्स ने भी मुझसे इंस्टाग्राम पे पिंग करके पूछा है कि मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है, 2022 के लिए टिप्स चाहिए, एडवांस के लिए टिप्स चाहिए. तो आई हाईली रिकमेंड कि मेरा जो नया टेलीग्राम चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करो और वहाँ पे आपको जो भी डाउट्स है आप बस पोस्ट करो और आई विल पर्सनली रीच आउट टू यू. मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैं आपसे आपको गाइड करूँ, हेल्प करूँ. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. तो बस आप कनेक्टेड रहो. तो आप ये मेरे नए टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको आप सब्सक्राइब करो और वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो और आप मुझे जस्ट हाय भी बोल सकते हो. एंड आप मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू. तो आई विल पर्सनली ट्राई टू रीच आउट टू यू. और अब वो क्वेश्चन जिसके लिए आप पूरा ये वीडियो देखते आ रहे हो और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इंस्टा पे हर जगह आपने पूछा है. और वो ये है कि वाई आर यू नॉट टेकिंग क्लासेस ऑन अन अकेडमी आइटम्स, हैव यू लेफ्ट अन अकेडमी, आप क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हो मैम, आपने प्लस पे क्लास ले, आप प्लस पे क्लास कब लोगे. तो लेट मी अनाउंस ऑन माई चैनल ऑफिशियली कि मेरा और अन अकेडमी का एसोसिएशन अब खत्म हो गया है. अब आप पूछोगे मैम, ऑफकोर्स आपने पूछा भी है कि मैम क्यों छोड़ दिया या क्या किया. तो सबसे पहले ना मैंने छोड़ा है ना उन्होंने निकाला है. तो हाउ डज अन अकेडमी वर्क, शायद ये आपको पता नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्पेशली YouTube पे जो टीचर्स अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं. और मेरा और अन अकेडमी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 6 मंथ्स का था, जो मैंने ड्यूरेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया. एंड देन उसके बाद अन अकेडमी एंड एम्प्लॉय का म्यूचुअली बैठ के डिसाइड होता है कि अब क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट. तो हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि वी शुड पार्ट आर वेज. तो इसीलिए मैं अब अन अकेडमी एटम्स पे या अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अब क्लासेस नहीं लूंगी. बट इसके अलावा मुझे एक और बात बोलनी अबाउट अन अकेडमी एटम्स यूट्यूब चैनल. जो पूरी एटम्स की टीम है, स्पेशली साक्षी मैम जिन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया था, एनवी सर जो उनके बाद चैनल पे आए थे, जिनका जिनकी वजह से वो चैनल एकदम स्पीड से ग्रो किया था, अजीत सर, अभिलाष सर एंड पारस सर, जो पूरी की पूरी हमारी टीम थी वो इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी. इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत कम वक्त उनके साथ काम करने का मौका मिला, बट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ काम करने का. क्योंकि 6 के 6 जो लोग थे हम सबका एक ही गोल था और सबका एक ही माइंडसेट था कि बस बच्चों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है और उनका कैसे भी करके सिलेक्शन करवाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. दूसरी बात यह है कि जो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक नए चेहरे को, पहले इनिशियली स्ट्रगल था मेरे लिए कि एक नया चेहरा एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश चैनल पे आता है तो उसको कुछ ना कुछ एक बैकलैश मिलता ही है. तो इनिशियली था, बट इवेंचुअली जो मुझे फुल ऑन सपोर्ट मिला है, मतलब एक स्टूडेंट भी अगर ऐसा कुछ भी बोलता था नेगेटिव तो उसके पीछे एक भीड़ कमेंट की इकट्ठी हो जाती थी कि मतलब डिफेंड करने के लिए. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस. एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से तो मेरा एकदम पर्सनल बॉन्ड भी बन गया और इनफैक्ट अब मैं और स्टूडेंट्स और आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ. तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो सो दैट हम लोग कनेक्टेड रहेंगे. एंड आई थिंक कि जो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था वो मैंने आंसर कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम प्लीज़ गिव योर नंबर. तो मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, लाइक आई सेड कि आपको मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और आप इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी सारे कमेंट्स करके मुझे ये बता सकते हैं कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है, मेरे लिए क्या सुझाव है. एंड एक और क्वेश्चन मुझे लेना है विच इज़ मैम मन तो करता है आपसे प्लस पे पढ़ा हूँ लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या करूँ.
तो ये बच्चा बोल रहा है कि मन तो करता है कि आपके साथ प्लस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पे पढ़ लूं, पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मैं इवेंचुअली, आपको पता ही चल गया, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पढ़ा रही हूँ। बट एक गुड न्यूज़ है, एक अनाउंसमेंट है, एक गुड न्यूज़ है, एक अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट ये है कि अब मैं आपको अपने YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और नोटिफिकेशन का आइकॉन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे बेस्ट कंटेंट आने वाला है टू हेल्प यू, टू मेंटोर यू एंड टू गाइड यू। तो बस आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना है कि आपको ऐसा क्या कंटेंट चाहिए। अब मैं आपकी सुन के कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और मैं वही डिलीवर करना चाहती हूँ जो आपकी सिलेक्शन में और आपके डाउट्स में आपको हेल्प करे, राइट? तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे थे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज कॉम्प्लीमेंट्स। आप जो भी सजेशन है ना मुझे, नेक्स्ट आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ कुछ नई सीरीज चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो एंड आई विल डेफिनेटली गोना स्टार्ट दिस सुपर सून। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी है ऑन द वे, तो स्टे ट्यून्ड।